हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में चल रही 68वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता का विधिवत समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने शिरकत की। पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय पुलिस के जाबाज देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उत्तर पूर्व में मिलिटेंट से मुकाबला करते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हैं। कर्तव्य पालना के साथ पुलिस ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी संस्था, प्रदेश व देश का नाम विश्व में रोशन किया है। 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग कल्चर में पंजाब पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि मेजबान हरियाणा पुलिस दूसरे नंबर व BSF की टीम तीसरे स्थान पर रही है। आपको बता दें कि समापन समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को शामिल होना था, लेकिन बजट सत्र के कारण वे मधुबन नहीं पहुंच सके। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए IB के अतिरिक्त निदेशक व ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय पुलिस खेलों के इतिहास व उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2019 में चाइना में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भारतीय पुलिस के खिलाड़ियों ने 286 पदक जीते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में शामिल खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय मंडल खेलों एवं एशियन गेम्स में भी मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों व टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह DAV पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। ऑल इंडिया रेसलिंग कल्चर का समापन महिलाओं के कुश्ती मुकाबले से किया गया। समापन समारोह में 53 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा पुलिस की वुमेन रेसलर निर्मला व पंजाब पुलिस की शरणजीत के बीच कुश्ती का मुकाबला हुआ। कुश्ती के पहले राउंड में निर्मला ने पंजाब के खिलाड़ी को टिकने नहीं दिया। 3 मिनट चले इस मुकाबले में हरियाणा पुलिस को 6 अंकों की बढ़त मिली। दूसरे राउंड के पहले मिनट में ही निर्मला ने शरणजीत पर डबल लेग अटैक का दांव लगाते हुए चित कर दिया। 10 अंकों की जीत के साथ कुश्ती के स्वर्ण पदक पर हरियाणा पुलिस की इंस्पेक्टर निर्मला ने अपना कब्जा किया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की है एक खास रिपोर्ट। इस सीमा की रक्षा करते हैं जो उत्तर पूर्व में जो मिलिटेंट्स हैं उनसे मुकाबला करते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वो नक्सल और माओवादियों का मुकाबला करते हैं और पूरे देश में अपराधियों का, तस्करों का और जो समाज विरोधी तत्व हैं उनका मुकाबला करते हैं। आप में से कुछ खिलाड़ी मेरे साथ थे उस समय और मैंने देखा कि हमारे खिलाड़ी देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई और हमें गर्व है कि आप पुलिस के बेड़े का हिस्सा हैं। हाल ही में 8 से 18 अगस्त 2019 में चीन के चेंगडू में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम प्रतियोगिता में हमारे 130 सदस्यीय भारतीय पुलिस की टीम ने 8 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 139 स्वर्ण, 81 रजत एवं 66 कांस्य पदक, कुल 286 पदक अपने नाम किए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.